अमनौर स्थित किसान पाइप के डुप्लीकेट सिखर नकली पाइप बेचने वाली कंपनी पर ताला लग गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट के आदेश के बाद किसान एरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लीगल एडवाइजर और कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में सर्च एंड सीज की कार्रवाई की गई। किसान कंपनी के नाम पर किसान चैंपियन और किसान शक्ति के नाम से पाइप बनाकर बेचे जा रहे थे। बिल्कुल किसान पाइप की तरह नजर आते हैं, जबकि कंपनी किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रजिस्टर्ड नाम पर व्यापार करती है। इसके लिए उसके पास निर्धारित मापदंड कंपनी रूल के हिसाब से संचालित किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास तो सूचना बहुत पहले से 7-8 साल से काम चल रहा था। बार बार हम लोगों ने इनको लीगल के थ्रू इनको नोटिस भी दिया गया था कि आप इस तरह से काम ना करें ताकि कि आपको तकलीफ़ ना आए, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमानी किए जा रहे थे। बार बार हमारे राजस्व को नुकसान हो रहा था, साथ में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान था। इसमें हमारे ब्रांड को जो आज पार्टियाँ बाजार में ख़रीदने आ रही थी किसान को, वो एक डुप्लीकेट पाइप देकर के हमारे ब्रांड की इमेज ख़राब हो रही थी, हम बाज़ार में बदनाम हो रहे थे। इसके वजह से आज हमको ये कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ा। ये एक्चुअली करीब 7-8 साल से यहाँ पास ये काम चल रहा था डुप्लीकेट प्रोडक्ट का। किसान के जो मार्केटिंग टीम थी उसके द्वारा किसान इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिकायत दी गई थी कि यहाँ पास डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहा है, किसान चैम्पियन के नाम से, किसान शक्ति के नाम से, किसान एरो के नाम से, इस तरीके से डुप्लीकेट प्रोडक्ट थे। तो मैं एडवोकेट विजय सोनी, हम लोगों ने दिल्ली कोर्ट पे वाद दायर किया था साकेत कोर्ट में, जहां पास से हमें कोर्ट के द्वारा एक्सपर्टी का ऑर्डर दिया गया है और लोकल कमिश्नर नियुक्त किया गया है।